मान लीजिए आज आपने कुछ ऐसा कर दिया कि कल आपके ऊपर किसी तरह की कानूनी कार्यवाही होती है, कौन आएगा आपको बचाने? कोई एक आपके साथ खड़ा होगा क्या? ये छोड़िए कानूनी कार्यवाही की बात छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूं आने वाले समय में जब आज आप एक झूठ हो कल एक एक हो जाओगे और बाद में आकर इसी चाल माफिया से अपना रूम मांगोगे तो आपको डरा धमका कर भगा देगा, रूम नहीं है तुम्हारा, जाओ जो करना है वो कर लो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों 8 मार्च को कनेर फाटा विरार में कार्यवाही हुई, उस बात को आज 10 दिन बीत गए। 10 दिन में जिन लोगों के घरों पर तोड़क कार्यवाही हुई उनके हालात जस के तस है। हालांकि फिलहाल कार्यवाही रुकी हुई है, लेकिन इस बीच लोगों को कैसे मूर्ख बनाया गया, लोगों को कैसे भोली भाली जनता को कैसे ठगा गया, इस पर मैं आज बात करना चाहूंगा। मैं विषय शुरू करूं उससे पहले एक बार पूरी घटना रिवाइंड करता हूं, आप मेरे एक पॉइंट को बराबर समझने की कोशिश करना। घटना है 8 मार्च की, जिस दिन तोड़क कार्यवाही होनी है। अभी तोड़क कार्यवाही हुई नहीं है, होने वाली है, लेकिन उसके पहले कुछ लोग जनता को भड़काते हैं कि आप इस तोड़क कार्यवाही के आगे बैठ जाओ, रोड जाम कर दो, सड़कें जाम कर दो ताकि तोड़क कार्यवाही न हो, ये बरगलाते हैं कुछ लोग। इसके पीछे हेतु क्या है? इसके पीछे हेतु यही है कि ये तोड़क कार्यवाही कहीं ना कहीं रुक जाए तो लोग उन चाल माफियाओं का गिरेबान नहीं पकड़े। लेकिन पब्लिक कुछ हद तक उनके बहकावे में आती है, बाद में पब्लिक को लगता है कि नहीं हमें हट जाना चाहिए, पब्लिक हट जाती है। पब्लिक हटती है, प्रशासन आता है, प्रशासन आकर आओ देखता है ना ताओ तोड़क कार्यवाही शुरू कर देता है। प्रशासनिक अधिकारी बाद में ऐसा दावा कर रहे थे कि हमने सिर्फ औद्योगिक गालों को तोड़ा है, दुकानों को तोड़ा है, लेकिन उनका यह दावा गलत है। उन्होंने रहते हुए घरों से भी लोगों को निकालकर घर तोड़े हैं, घर में बंद लोगों को निकालकर तोड़ा गया है, स्कूल का दरवाजा तोड़ा गया है। ऐसी पूरे दिन भर तोड़क कार्यवाही चलती रही है। कुछ बार पुलिस ने सख्ती भी की है, लेकिन फिर भी तोड़क कार्यवाही में किसी को कुछ हुआ नहीं और प्रशासन ने दिन भर में अपना काम पूरा किया। फिर रात निकली, न जाने क्या हुआ, अगली सुबह आई, तब अगली सुबह को एक अफवाह फैलाई गई कि एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की, खुद की जान लेने की कोशिश की। इस अफवाह की कहीं पे इस घटना की, मैं अफवाह इसके लिए बोल रहा हूं कि इस घटना की कहीं पे आधिकारिक रूप से पुष्टि हुई नहीं। मैं खुद पत्रकार हूं, फील्ड पे गया तो वहां भी मैंने जब कोशिश की कि इस घटना की आधिकारिक पुष्टि हो, कुछ मालूम पड़े ऐसे, तो ऐसी कोई घटना उस दिन नहीं हुई थी। हां, तोड़क कार्यवाही के समय एक महिला बेसुध जरूर हो गई थी, लेकिन अफवाह ऐसी फैलाई गई कि महिला ने खुद को खत्म करने की कोशिश की। इस अफवाह का असर यह हुआ कि जो लोग पहले दिन शांत थे दूसरे दिन पत्थरबाजी पर उतर आए और आखिरकार जो पहले दिन नहीं हुआ वह दिन दूसरे दिन देखने को मिला। पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने बल प्रयोग किया और इसी बीच कार्यवाही रुक गई, पुलिस को जाना पड़ा, पुलिस और प्रशासन चले गए। बाद में फिर खेल शुरू हुआ, इन तथाकथित चाल माफियाओं को बेचारा घोषित किया जाने का। सब लोग बिल्डर बोल रहे हैं, बिल्डर इनको बोलना ही नहीं चाहिए, विकासक ये तथाकथित चाल माफिया है जो लोगों को बेवकूफ बनाकर लोगों को ठग रहे हैं, और ठग रहे हैं ऐसा नहीं, उनका पैसा तो ठग ही चुके हैं,
उनकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए। इन चार माफियाओं को यह डर था पहले दिन की तोड़प कार्रवाई के बाद अगर यह तोड़प कार्रवाई जारी रही तो कई घरों को तोड़ा जाएगा और उसका सबका सीधा सीधा असर इनके ऊपर पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने पब्लिक को भड़काया। फिर अगले दिन लोग जमा हुए। अगले दिन पुलिस उन लोगों को ढूंढने लगी जो लोग पत्थरबाजी में शामिल थे। तो इसका असर एक दिन बाद दिखाई दिया। एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। और हार्ट अटैक की मौत की घटना यह सही घटना है क्योंकि ये इसकी पुष्टि हुई है। इस हार्ट अटैक की घटना के बाद एक बार फिर पब्लिक इकट्ठी हुई और क्योंकि पब्लिक को यह मालूम था ही कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पब्लिक में कश्मकश थी ही, प्रशासन क्या कार्रवाई वापस करेगा, तो इसलिए मामला तो गर्म था ही। और जब ये हार्ट अटैक से एक मौत हुई उस व्यक्ति की बॉडी को प्रशासन ने आनंद फानंद में गांव भेज दिया, यूपी भेज दिया, जिसके बाद लोग जमा हुए और स्थानिक आमदार के ऑफिस पर पहुंचे। स्थानिक आमदार को अपना दुखड़ा सुनाने पहुंचे। स्थानिक आमदार ने बाद में खुद विजिट किया और वहां आकर सीधे सीधे कार्यवाही को गलत ठहराया, लेकिन सीधे सीधे गोलमोल जवाब देकर बचते हुए निकल गए। इसी बीच एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें दो लोग ये बात कर रहे थे कि इस कार्यवाही को, एक जगह की कार्यवाही को दूसरी जगह मोड़ने के लिए प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार को 15 लाख रुपए पहुंचाए गए। यह ऑडियो किन लोगों का था, इसको क्यों वायरल किया गया, इसकी जांच की मांग आगे की वीडियो में की जा चुकी है और आज भी है। वो अगर ये ऑडियो जिसने वायरल किया उनके पास कुछ सबूत है तो उनको जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए थी, और अगर सबूत नहीं है तो ये ऑडियो किस हेतु से वायरल किया इसका जवाब देना चाहिए था। तो उस ऑडियो के वायरल होने के बाद तहसीलदार मैडम से एक पत्रकार बात करती है, उसमें तहसीलदार मैडम वसई की जनता हैवान है ये शब्द बोलती है। इस शब्द पर हंगामा होता है, हंगामा होता है। अगले दिन एक सामाजिक कार्यकर्ता वसई तहसीलदार कार्यालय पहुंचता है आक्रामक मोर्चा लेकर। वहां तहसीलदार मैडम अपने बयान को लेकर सफाई भी देती है और फिर से बयान भी जारी करती है। इस तरह से घटनाक्रम दिन ब दिन चलते रहा। और हाल ही में 2 दिन पहले यह घटनाक्रम महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा अधिवेशन में उठाया गया, जहां कांग्रेस के नाना पाटोले ने इसका जिक्र किया, इस घटनाक्रम की बात कही और इसकी जांच की मांग की। वहीं प्रभावित लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने की बात की। इतना सब घटनाक्रम हुआ। अब मैंने घटनाएं रिवाइंड की, अब आपका मैं ध्यान खींचना चाहूंगा मुख्य मुद्दे पर, जो मुद्दा कहीं हाथ से छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्य मुद्दा है इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार कौन, यह मुख्य सवाल है। इस पूरे मामले के लिए, मामले का खलनायक बोलो या विलेन बोलो, वो कौन है? कुछ लोग प्रशासन को गलत ठहरा रहे हैं। पहले दिन से मेरा भी यही कहना है कि प्रशासन कतई सही नहीं है, प्रशासन गलत ही है। जब बन रहा था प्रशासन ने उसको रोका नहीं, और बनने के कई सालों बाद अचानक से तोड़ दिया। लेकिन इसमें प्रशासन की गलती जितनी है, क्या प्रशासन की गलती के सामने उन तथाकथित चार माफियाओं की गलती छुट सकती है? तथाकथित चार माफियाओं का अपराध क्या कम हो जाता है?
यह तथाकथित चाल माफिया जो है, जिन्हें बखूबी मालूम है कि मेरी जमीन नहीं है, मैं बना के किसी और को बेच रहा हूं, सीधा धोखा कर रहा हूं। वो लोग पहले धोखा करते हैं, लोगों को, गरीब लोगों को फंसाते हैं मकान देने के नाम पर, और बाद में अगर इस तरह की कार्यवाही कभी आए तो उन्हें भड़काकर, प्रशासन के खिलाफ भड़काकर पत्थरबाजी करने का ये लोग उकसाते हैं, उन्हें अपराधी बनाते हैं। आज हर कोई समझदार है। मेरा सवाल है इस जनता से, आप जो प्रभावित लोग हैं उनसे मेरा सवाल है। कई लोग मेरे आगे के वीडियो में कमेंट कर चुके हैं और ये बता रहे हैं कि बिल्डर सही है। अगर ये लोगों को लगता है कि बिल्डर सही है, माफ कीजिएगा, बिल्डर नहीं, चाल माफिया। अगर आपको लगता है कि ये चाल माफिया सही है तो आप गलत हैं। चाल माफिया ने पहले भी सिर्फ आपको प्रलोभन दिया है कि वो घर बांध कर देगा आपको। जमीन उसकी है ही नहीं, सरकारी जमीन है। जब वहां से पहले का अतिक्रमण हट चुका है तो वो कहां से बांध कर देगा, कैसे बांध कर देगा? चाल माफिया सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी चमड़ी बचाने के लिए आपको बहला रहा है, फुसला रहा है। इस चाल माफिया को मालूम है कि अगर कार्यवाही फिर शुरू होती है तो और कई घर टूटने वाले हैं, और ऐसे में लोग उसकी ही गिरेबान पकड़ेगी। इसके लिए ये जो चाल माफिया वहां के बिल्डर, तथा कथित बिल्डर जो है, वो लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। और तो और एक साजिश पूरी रची जा रही है। कुछ दलाल लोग जो है वो बखूबी ये काम कर रहे हैं कि लोगों को भटकाया जाए। कुछ दलाल किस्म के लोग बखूबी इन बिल्डरों को अच्छा और प्रशासन को नालायक बता रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, प्रशासन कतई सही नहीं है। प्रशासन शुरू से अंत तक गलत है, गलत है, गलत है। लेकिन ये चाल माफिया आपको भटकाने, आपको बरगलाने कई नए नए पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप समझिए, जब आप किसी के साथ धोखा होता है, जब दो जन हैं, एक ने पैसा लिया, एक ने दिया और धोखा किया, तो इंसान किसको पकड़ेगा? जिसने दिया वो लेने वाले को ही पकड़ेगा ना। यहां कई लोग हैं और साथ में तीसरा पक्ष प्रशासन भी है। इसके लिए ये लोग आपका माइंड मोड़ रहे हैं, दिमाग को घुमा रहे हैं कि आप प्रशासन को बोलो। किसी भी कायदे में चाल लीगल नहीं होती है, यह हर आदमी जानता है, बच्चे से बच्चा भी ये चीज जानता है। आप लोग में भी सभी ये बात जानते हैं। आपकी मजबूरी रही होगी, आपने लिया मकान, वो सही है, लेकिन आपको ये मालूम है कि चाल जो है वो लीगल नहीं है। चाहे मालकी जमीन पर भी क्यों न हो, किसी भी चाल की परमिशन नहीं होती। आज भी कई लोग, कई क्या, हजारों लाखों लोग भाड़े पे क्यों रहते हैं? क्या उन्हें अपना घर खरीदने की, उनके मन में अपना घर, खुद का घर खरीदने की इच्छा नहीं है? लेकिन वो लोग इसी दलदल में नहीं घुसना चाहते, इसके लिए वो घर नहीं खरीदते। मैं आप जनता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। आप लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई, उसमें डाली, पैसा डाला, लेकिन ये लोग जिनकी जिम्मेदारी थी आपके दिए हुए पैसे को आपको लौटाने की, वो लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए आपको भटका रहे हैं। मान लीजिए आज आपने कुछ ऐसा कर दिया कि कल आपके ऊपर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई होती है, कौन आएगा आपको बचाने? कोई एक आपके साथ खड़ा होगा क्या? जिसके साथ जो घटना होती है वही उसे ही भुगतना पड़ता है। यहां अभी एक साथ हो आप लोग,
ये छोड़िए, कानूनी कार्यवाही की बात छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूं आने वाले समय में जब आज आप एकजुट हो, कल एक एक हो जाओगे और बाद में आकर इसी चाल माफिया से अपना रूम मांगोगे तो आपको डरा धमका कर भगा देगा, रूम नहीं है तुम्हारा, जाओ जो करना है वो कर लो। आप ऐसे चाल माफिया के पीछे उसकी बातों में क्यों आ रहे हैं? आप जाइए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाइए, पुलिस में कंप्लेन कीजिए और उनको सबक सिखाइए ताकि वो लोग ने आपके साथ तो ऐसा किया और किसी लोगों के साथ ऐसा नहीं करे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786